नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान स्पेशल की आज की इस क्लास में हम यूपी राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं, और ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का अवलोकन करते हैं, कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के नाम की अगर हम बात करें तो वर्ष 1836 से उत्तर प्रदेश का जो नाम था उसे हम किस नाम से जानते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। उसके बाद 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम बदल के आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया। वर्ष 1937 से उत्तर प्रदेश को सिर्फ संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, यह नाम उत्तर प्रदेश को कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया, और वर्तमान में भी यही नाम चल रहा है। प्रदेश की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो 1836 से आगरा, 1858 से इलाहाबाद, 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था, और वर्ष 1935 से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः घोषित कर दिया गया है, जो वर्तमान में भी अभी भी चल रही है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया है। राज्य का विभाजन भी, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन किया जा चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य से एक नया राज्य बनाया गया है उत्तराखंड। तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल ठीक है, 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम उत्तराखंड रखा गया, और वर्तमान में इस राज्य का नाम जो है वो उत्तराखंड है। चलिए दोस्तों, राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? तो बिल्कुल ठीक है, 1947 में जो हमारी पहली राजकीय भाषा थी वह थी हिंदी। इसके बाद 1989 में राज्य की दूसरी राजभाषा उर्दू को घोषित किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य के राजकीय पशु की, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें दोस्तों, तो सारस अथवा क्रॉन्च जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। राजकीय पुष्प की बात करें दोस्तों, तो पलाश जो है वो जनवरी 2011 से हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय खेल की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में दो मछली तथा एक तीर धनुष, जो कि इस वीडियो के थंबनेल में भी आप देख सकते हो। तो यह चिन्ह जो है 1938 में स्वीकृत हो गया था कि यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, तो NCR क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत, तो ये सारे के सारे जिले जो है वो दिल्ली के करीब होने के कारण जो है NCR क्षेत्र में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल सभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जुलाई 1937 में राज्य की विधानसभा का पहला गठन किया गया था। उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 425 थी, और वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? तो बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 404, जिसमें से 403 जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं, और प्लस एक जो है वो मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पूर्वांचल, पश्चिमांचल व मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पूर्वांचल में है 162, पश्चिमांचल में है 149, मध्यांचल में है 73 और बुंदेलखंड क्षेत्र में 19 विधानसभा की सीटें आती हैं। दोस्तों 16वीं विधानसभा की अगर बात करें तो 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? तो 16वीं विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या थी 35, और ये कुल संख्या का 8.68% था। वर्तमान विधानसभा मतलब 17वीं विधानसभा की बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? पीछे में 3 ऐड कर दिया तो इस बार जो है महिलाओं की संख्या है 38। फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में
विभिन्न पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, तो दोस्तों एक बारी देख लेते हैं। एनडीए गठबंधन जो बीजेपी भी जिसमें शामिल है, कुल 325 सीटें मिली इन्हें। सपा को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, तो सपा को यहां पे 47 सीटें मिली थी, बसपा को 19 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और अन्य को मिली थी, कांग्रेस को 7 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 7वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है, तो बिल्कुल ठीक है, राम गोविंद चौधरी जो सपा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो नेता विपक्ष है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो ठीक है इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है प्रदेश में, और कितनी संख्या है तो दोस्तों यहाँ पे 12 सीटें। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, ये तीनों ही जिले जो है वो विधानसभा सीटों की दृष्टि से सबसे कम है, क्योंकि यह तीनों ही जिलों में जो है विधानसभा सीटों की संख्या दो दो है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो टोटल है 89 89, जिसमें से 85 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 4 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। विधान परिषद का गठन किया गया, कब किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक है, वर्ष 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया था। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधानसभा परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 108, और उत्तराखंड के विभाजन के बाद जो वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, तो वो है 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल 80 सीटों में से 17 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों मतदाताओं की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा जो जिला है वो है गाजियाबाद और सबसे छोटा जिला है वो है बागपत। इसके बाद बात करें हम प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31 31। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में है, 1986 में बना था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, और इसकी खंडपीठ कहां है वो लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो वो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1866 में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, ये कहां किया गया, लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी और बरेली में आर्थिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय की भी स्थापना की गई। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1984 में पारिवारिक मामलों हेतु न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें जमींदारी उन्मूलन कानून की, तो वर्ष 1950 में लागू हुआ था, तो कितनी तारीख से, 1 जुलाई 1952 से यह प्रदेश में लागू कर दिया गया था। प्रदेश में अगर हम औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात करें, तो दोस्तों यह 6 जगह पर स्थापित है, कहां कहां, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, तो दोस्तों प्रदेश में कुल 20 श्रम न्यायालय है। संभागों की संख्या की बात करें या फिर हम मंडल की संख्या की बात करें, तो दोस्तों 18 मंडल जो है उत्तर प्रदेश में है, और 18वां कौन सा है, तो 18वां अलीगढ़, जो कब बना था, अप्रैल 2008 में इसका सृजन किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सबसे बड़े संभाग की बात करें, तो दोस्तों कानपुर, लखनऊ एवं मेरठ, इन तीनों ही संभागों में 6-6 जिले आते हैं। सबसे छोटे संभागों की बात करें दोस्तों, तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ये 5 संभाग जो है वो सबसे छोटे संभाग हैं, और इन 5ों ही संभागों में कितने जिले आते हैं दोस्तों, तो इन 5ों ही संभागों में 3-3 जिले आते हैं। राज्य में अगर हम नगरों की कुल संख्या की बात करें दोस्तों, जिसमें छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के नगर हैं, तो राज्य में कुल जो नगर है वो है 915, और ये आंकड़े जो है वो जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना के समय जनगणना नगर कितने थे, तो बिल्कुल ठीक है 267। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं।
सर्वाधिक जनगणना नगरों वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों वाराणसी, जिसके अंतर्गत 34 नगर आते हैं। जनगणना के समय वैधानिक नगर कौन से कितने थे? तो दोस्तों 648 नगर जो थे वैधानिक नगर थे। सर्वाधिक एवं सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन कौन से? तो बिल्कुल ठीक है, बदायूं में सर्वाधिक 23 और श्रावस्ती में सबसे कम 2। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जो इलाहाबाद है, और इसमें तहसीलों की संख्या कितनी है? तो इसमें यहाँ पे कुल 8 तहसीलें हैं। ब्लॉक की बात करें तो दोस्तों कुल 821 ब्लॉक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नगर निकायों वाले कुल नगर, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 636 नगर जो है जहां पर नगर निकाय है। नगर निकाय निगम की बात करें तो दोस्तों यहां पर तो 16 दे रखा है, मगर प्रदेश में कुल कितने हैं? 18 है। और जो सबसे नया है वो उसका नाम क्या है नगर निगम का? वो शाहजहांपुर है। नगर पालिका की बात करें नगर पालिका की, तो वहां पे 198 नगर पालिकाएं हैं, 22 अन्य घोषित की गई हैं। नगर निकाय जो नगर पंचायत के अंतर्गत, तो 423 जो है हमारे यहाँ नगर पंचायतें हैं। जिला पंचायतों की बात करें दोस्तों, तो जिले हैं 75, तो यहाँ पे जिला पंचायतें भी 75 है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्षेत्र पंचायत की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 821 क्षेत्र पंचायत है। न्याय पंचायतों की बात करें तो दोस्तों 8,135 जो है हमारे यहाँ न्याय पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें या फिर ग्राम सभाओं की बात करें दोस्तों, तो ये 59,073 जो है हमारे यहाँ ग्राम सभाएं या फिर ग्राम पंचायतें हैं। और कुल आबाद ग्राम कितने हैं दोस्तों? तो उनकी संख्या है 97,941। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। कुल ग्राम कितने हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल गांव की संख्या 1,07,452। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो बिल्कुल ठीक है, कुल सीट का 1/3 यानी 33% जो है वो महिलाओं का आरक्षण है। प्रदेश में कुल कितनी कारागार संस्थाएं? तो दोस्तों प्रदेश में 67 कारागार संस्थाएं हैं। प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी? तो दोस्तों 57 जिला कारागार प्रदेश में स्थित हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे प्रमुख नहर हैं जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नगर के नाम दे रखे हैं और एक साइड नदियों के नाम दे रखे हैं। तो गंगा यमुना सरस्वती इस नदी के त्रिवेणी के किनारे कौन सा नगर है? तो प्रयागराज इलाहाबाद जो है वो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के साथ में बसा हुआ है। गोमती नदी से लगा हुआ कौन सा नगर है? तो बिल्कुल ठीक है, लखनऊ जो है वो हमारा गोमती नगर के किनारे पे बसा हुआ है। यमुना की बात करें तो यमुना के किनारे कौन सा? मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसके अलावा गोमती की हम बात करें तो जौनपुर जो जिला है हमारा वो भी गोमती से लगा हुआ है। यमुना की बात करें तो वृंदावन यमुना से लगी हुई है। गोमती के किनारे सुल्तानपुर भी पड़ता है और यमुना के किनारे क्या पड़ता है? हमीरपुर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं और कौन कौन से जिले हैं। जो हमारा कानपुर जिला है वो किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के। कौशाम्बी जिला है दोस्तों, तो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल ठीक है, यमुना नदी के। वाराणसी जिला जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बटेश्वर जिला है यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। मिर्जापुर जिला है यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के करीब से राप्ती गंगी नदी निकलती है। गाजीपुर की बात करें तो दोस्तों गंगा नदी जो है वो गाजीपुर जिले के पास से भी निकलती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब जो है हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में देखते हैं कि ये कहां पर स्थित हैं, किस जिले के करीब में स्थित हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है और यह किस नदी पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए माता टीला बांध है, ये 1958 में बनाया गया था। किस नदी पर बनाया गया ये? तो दोस्तों याद रखिएगा माता टीला बांध जो है वो बेतपा नदी पर बनाया गया था। और इसके निकटतम में कौन सा जिला या फिर कौन सा नगर है? तो ललितपुर नगर के पास में बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया था। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 46 मीटर। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। जिरगो जलाशय बांध, जिरगो जलाशय बांध कब बनाया गया था? 1998। नदी कौन सी है? जिरगो। निकटतम नगर कौन सा है दोस्तों? तो मिर्जापुर। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। रिहंद बांध, इसे हम गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं, जो वर्ष 1961 में बनाया गया था। और रिहंद बांध है किस नदी पर बनाया गया? तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया। किस जिले या नगर के पास है? तो बिल्कुल ठीक है, ये सोनभद्र जिले के पास पिपरी में है।
और इस बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 91 मीटर, यानी 91 मीटर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मूसा कहंद ये किस नदी पे बनाया गया? तो ये कर्मनाशा नाम की नदी पे बनाया गया है। निकटतम नगर होगा वो चंदौली होगा। और बांध की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो बांध की ऊंचाई है 34 मीटर। रामगंगा बांध जिसका निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, यह रामगंगा नदी पर बनाया गया था। और इसका जो निकटतम नगर है यह कौन सा है? बिजनौर नगर के निकट बनाया गया। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 128 मीटर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। रामगंगा काठी बांध यह वर्ष 1978 में बनाया गया था। रामगंगा नदी के पास रामनंदा नदी पर बनाया गया है। बिजनौर जिले के करीब है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 71 मीटर। कान्हार बांध इसका नाम आपने सुना होगा, किस नदी पे बनाया गया? कान्हार किस जिले में पड़ता है? सोनभद्र। और ऊंचाई कितनी है? 39 मीटर। मेजा जलाशय बांध ये भी निर्माणाधीन है, बेलन में बनाया बेलन नदी पे बनाया गया है। कौन सा जिला पास में? तो मिर्जापुर। और ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए दोस्तों कुछ और बांध देख लेते हैं। सरयू बांध जो है वो सरयू नदी पे बनाया गया है, निकटतम नगर है बहराइच। पथरई बांध जो है वो पथरई नदी पे बनाया गया है, निकटतम नगर झांसी। अर्जुन बांध अर्जुन नदी के ऊपर बनाया गया है, निकटतम नगर महोबा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसे नाम याद रखिएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया और निकटतम नगर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ललितपुर। और महोदा बांध जो है वो बर्मा नदी पर बनाया गया और निकटतम जिला जो है वो हमीरपुर है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पक्षी विहार देख लेते हैं कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार स्थापित है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर। और किस जनपद में स्थापित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव जनपद में स्थापित है। समस्तपुर पक्षी विहार दोस्तों 1987 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8 वर्ग किलोमीटर। कौन से जिले में है? तो दोस्तों यह रायबरेली जिले में जनपद में आता है। लाख बहौसी पक्षी विहार दोस्तों नाम याद रखिएगा, लाख बहौसी पक्षी विहार वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग किलोमीटर। और कौन से जिले में है? तो दोस्तों यह फरुखाबाद जिले में स्थित है। सांडी पक्षी विहार की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 3 किलोमीटर क्षेत्रफल है और जिला कौन सा पड़ता है दोस्तों? हरदोई। बखीरा पक्षी विहार वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल है इसका 30 वर्ग किलोमीटर। और किस जनपद में आता है दोस्तों? तो यह है बस्ती जनपद में आता है दोस्तों। लाख बहौसी पक्षी विहार किस जिले में है? तो यह फरुखाबाद में है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ओखला पक्षी विहार दोस्तों वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग किलोमीटर। और यह किस नगर के पास? तो गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। सामन पक्षी विहार वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर और जिला कौन सा है दोस्तों? मैनपुरी। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है पार्वती आरंग पक्षी विहार, स्थापना का वर्ष है 1990, क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर और जिला कौन सा है? तो दोस्तों यह गोंडा जिले में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। विजय सागर पक्षी विहार, स्थापना का वर्ष 1990, क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर और जिला कौन सा दोस्तों? हमीरपुर। पटना पक्षी विहार, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ऑप्शन में कोई पटना या फिर बिहार ऑप्शन दे दिया तो आप चकरा जाओगे। तो पटना पक्षी विहार, स्थापना का वर्ष 1990, क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर और जिला याद रखिएगा दोस्तों एटा, ठीक है एटा जिला याद रखिएगा। सुराहा ताल पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का फेमस पक्षी विहार है, वर्ष 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 34 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और जिला कौन सा पड़ता है? तो बिल्कुल ठीक है पूर्वांचल बलिया। सुर सरोवर पक्षी विहार दोस्तों 1991 में स्थापित किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और जिला कौन सा लगता है दोस्तों? आगरा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों पक्षियों के साथ साथ हम कुछ जीव की भी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख वन्य जीव विहार हैं एक बार हम उन पे भी नजर मार लेते हैं। चलिए दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। स्थापना का वर्ष कब है? तो 1977 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। जिले की बात करें तो यह कौन से जिले में पड़ता है? तो बिल्कुल ठीक है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में यह स्थापित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार कब स्थापित किया गया था? 1979 में।
क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 635 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और किस जिले में है तो यह आगरा और इटावा में पड़ता है। चंद्र प्रभा वन विहार स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1956 57 में। क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है दोस्तों तो यह वाराणसी जिले में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किशनपुर वन्य जीव विहार कब स्थापित किया गया था तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 1972 में। क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कब स्थापित है, 1976 में। क्षेत्रफल कितना दोस्तों तो 410 किलोमीटर, और जिला कौन सा है, बहराइच। रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल है दोस्तों 230 वर्ग किलोमीटर, और जिला कौन सा है, बांदा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, दोस्तों नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ही भी, कब स्थापित किया गया था, 1977 में। क्षेत्रफल बहुत छोटा है, 5 वर्ग किलोमीटर, और जिला कौन सा है, ललितपुर। कैमूर वन्य जीव विहार वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 501 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मिर्जापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, दोस्तों याद रखिएगा नाम इसका भी, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये काफी बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और कौन कौन से जिलों में ये आता है तो मेरठ है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, और गाजियाबाद, इन चारों जिले में इसकी सीमाएं लगती हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार स्थापित कब किया गया, 1987। क्षेत्रफल 428 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। जिला कौन सा लगता है दोस्तों तो यह है महाराजगंज जिले में पड़ता है। सोहेलवा वन्य जीव विहार स्थापना का वर्ष 1988। क्षेत्रफल 452 किलोमीटर। जिला कौन सा लगता है दोस्तों तो इसकी सीमा दो जिलों को छूती है, वाराणसी और गोंडा। कछुआ वन्य जीव विहार दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर, और जिला कौन सा लगता है दोस्तों तो वाराणसी। डॉक्टर भीमराव वन्य जीव विहार दोस्तों यह कहाँ है तो 2003 में इसकी स्थापना की गई है। क्षेत्रफल कितना है, 457 वर्ग किलोमीटर, और कुंडा प्रतापगढ़ से इसकी सीमाएं लगती हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग धंधों को जान लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है तो दोस्तों त्रिवेणी जो है वो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में, तो यहां से इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग, इलाहाबाद। प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित है तो दोस्तों सीमेंट के मुख्य कारखाने जो वो चुर्क व डाला में स्थित है। प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहां पर है तो दोस्तों प्रदेश में सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो है लखनऊ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कौन से जिले में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है तो दोस्तों मुख्य रूप से गोरखपुर और इलाहाबाद में उर्वरक कारखाने स्थापित किए गए थे। प्रदेश में आयुध उपस्कर कारखाना किस स्थान पर है तो बिल्कुल ठीक है, आयुध उपस्कर कारखाना जो हजरतपुर में है। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का संस्थान यूपी का किस क्षेत्र में कार्य करता है तो बिल्कुल ठीक है, यूपी का जो है वो हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री में कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है तो दोस्तों वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना जो वो कानपुर में की गई है। ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली प्रदेश के किस नगर में स्थित है तो दोस्तों नाम याद रखिएगा लाल इमली, और ये कहां पर स्थित है तो दोस्तों ये कानपुर में स्थित है, और लाल इमली जो है वो किस क्षेत्र में काम करती है तो ऊनी वस्त्रों के निर्माण क्षेत्र में लाल इमली जो है वो कार्य करती है। प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा कि गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड जो है वो मेरठ शहर में बनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रदेश में जूट की मिलें कहां पर स्थित है तो दोस्तों मुख्य रूप से जूट की मिलें जो है वो कानपुर और सहजनवा में स्थित है। ट्रांसफार्मर्स फैक्ट्री प्रदेश के किस नगर में स्थित है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर्स के निर्माण के लिए झांसी में एक फैक्ट्री स्थापित की गई। कृत्रिम अंग निर्माण निगम प्रदेश के किस नगर में स्थित है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश के किस नगर में है? तो बिल्कुल ये ठीक है, गाजियाबाद में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तेल शोधक कारखाना मतलब रिफाइनरी जो है वो प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो बिल्कुल ठीक है, रिफाइनरी जो है मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है? तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों के उत्तर प्रदेश में औद्योगिक केंद्रों के रूप में कानपुर जो है वो प्रथम नंबर पे आता है, स्थान पर आता है। प्रदेश का फिरोजाबाद नगर जो है वो किस उद्योग का प्रमुख केंद्र? तो दोस्तों कांच से बनी चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद नगर जो है वो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रदेश का कौन सा नगर जो ताला उद्योग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, देश में ही नहीं विदेशों में भी अलीगढ़ जो है वो ताला के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान के निर्माण कार्य में कौन से नगर अग्रणी है? तो बिल्कुल ठीक है, मेरठ जो है वो कैंची और खेल के सामान के लिए बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है। प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, खुर्जा जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। एक कवि हैं कुमार विश्वास नाम करके, सुना होगा, तो उनका जो है निवास स्थान भी खुर्जा में ही आता है। रेशम व जरी उद्योग के लिए प्रदेश का वाराणसी प्रसिद्ध है। प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल ठीक है, मुरादाबाद नगर जो है वो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पीतल के बर्तन उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रदेश के दो नगर हैं, एक मिर्जापुर और एक कालीन के लिए शाहजहांपुर, ये दोनों ही नगर कालीन के निर्माण के लिए फेमस है। नक्काशीदार लकड़ी का सामान प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो दोस्तों सहारनपुर इसके लिए फेमस है। प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो बिल्कुल ठीक है, आर्थिक राजधानी कानपुर तंबाकू के उत्पादन के लिए, पान मसाले के उत्पादन के लिए भी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन है। उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया? तो वर्ष 1972 में 1 जून से राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत लाया गया। देश के सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? तो दोस्तों यह शुरू होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर से। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, उत्तर रेलवे का सर्वाधिक विस्तार है। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा स्थित है। अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम क्या है? अमौसी हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रदेश के किन नगरों में है? तो बिल्कुल ठीक है, नैनी इलाहाबाद और रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थापित की गई है। किन नगरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर दूर संचार सेवा का आरंभ किया गया था? तो बिल्कुल ठीक है, आगरा और कलकत्ता के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर दूर संचार सेवा का आरंभ किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों तो फरवरी 1955 में उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। प्रदेश के किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ और प्रयाग में, लखनऊ और इलाहाबाद में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं और ये मुख्यतः कहां कहां किस किस जिले में पाए जाते हैं? चलिए दोस्तों देख लेते हैं इन्हें भी। तो दोस्तों खनिज कोयला मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? तो ये सिंगरौली में पाया जाता है, सोनभद्र में। ठीक है, चूना पत्थर कहां कहां पाया जाता है प्रदेश में? तो बिल्कुल ठीक है, गुरमा कनाज बाबूहारी जो कि मिर्जापुर में पड़ते हैं और कजराहट जो कि सोनभद्र में पड़ता है, तो यह जो है चूना पत्थर प्राप्त करने के मुख्य स्थान है। बॉक्साइट की बात करें दोस्तों, तो बॉक्साइट जो है वो
मुख्य रूप से राजगवा और चंदौली में पाया जाता है। और राजगवा कहाँ पे है? ये बांदा में स्थित है। डोलोमाइट की बात करें दोस्तों, तो डोलोमाइट जो है वो मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा से मुख्यतः पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। कांच बालू की बात करें दोस्तों, तो यह इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी से मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। पोटास लवर, तो पोटास लवर जो है वो इलाहाबाद, चंदौली, बांदा और झांसी से मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। एंडोलोसाइट यह दोस्तों कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मिर्जापुर से प्राप्त किया जाता है। पायरोफिलाइट की बात करें दोस्तों, तो पायरोफिलाइट जो है मुख्य रूप से झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर है, इन तीन जिलों से मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। और सेल खड़ी जो है वो हमीरपुर और झांसी से मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पायराइट्स की बात करें दोस्तों, तो पायराइट्स जो है बड़ी मात्रा में मिर्जापुर में प्राप्त होता है। रॉक फॉरेस्ट की बात करें दोस्तों, तो बांदा और ललितपुर। फायर क्ले की बात करें तो बांसी, मकरी, खो जो कि मिर्जापुर में पड़ते हैं और सोनभद्र से यह मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, हीरा कहाँ से प्राप्त होता है प्रदेश में? तो बांदा और मिर्जापुर में हीरा भी प्राप्त किया जाता है। तांबे की बात करें तो ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। संगमरमर की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में संगमरमर जो है मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिले से प्राप्त किया जाता है। एस्बेस्ट की बात करें दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है मुख्य रूप से। जिप्सम की हम बात करें तो जिप्सम दो शहरों से, झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। सैंड स्टोन की बात करें दोस्तों, तो सैंड स्टोन मुख्य रूप से हमें मिर्जापुर से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। डायस्पोर की बात करें दोस्तों, तो डायस्पोर जो है मुख्य रूप से हमें ललितपुर से प्राप्त होता है। सोना दोस्तों, सोना याद रखिएगा, हीरा याद रखिएगा और यूरेनियम, ये तीन जो है पूछे जा सकते हैं। शारदा और रामगंगा के रेत में मुख्य रूप से सोना प्राप्त किया जा सकता है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है वो ललितपुर जिले से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।